गाइस, कंप्यूटर खरीदते वक्त अगर कोई ऐसा कंपोनेंट है जो एक बायर को शायद सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है, तो वो है CPUs। कि आखिर वो कौन सा CPU है जो उनके वर्क के लिए बेस्ट है। और इस कंफ्यूजन के पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है CPU से रिलेटेड टर्म्स के बारे में ना पता होना। जैसे कि आखिर एक CPUs में कोर्स क्या होते हैं, हाइपर थ्रेडिंग क्या होती है, CPUs में क्लॉक स्पीड क्या होती है, और आखिर उसे ओवरक्लॉक करने से क्या होता है, और CPU की जनरेशन से उसमें क्या चेंजेस आते हैं। गाइस, यही वो सारी टर्म्स हैं जिनकी हेल्प से हम एक CPU की परफॉर्मेंस के बारे में पता लगा सकते हैं और अपने वर्क के लिए एक सूटेबल CPU सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके इन सारी टर्म्स के बारे में समझते हैं। एंड विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि आखिर CPUs के अंदर कोर्स क्या होते हैं। तो कोर्स को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पास्ट में जाना होगा। जब CPUs के अंदर सिर्फ एक सिंगल कोर हुआ करती थी, दैट मीन्स एक CPU में सिर्फ एक ही प्रोसेसिंग यूनिट। अब ये CPUs एक बार में सिर्फ एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट कर पाते थे, और तब दो CPUs की परफॉर्मेंस को कंपेयर करने का सिर्फ एक ही तरीका था, उसकी क्लॉक स्पीड को कंपेयर करना। अब जिस CPU की क्लॉक स्पीड जितनी ज़्यादा थी, वो CPU उतना ज़्यादा फास्ट था। बट CPUs में उनकी क्लॉक स्पीड एक एक्सटेंड तक ही इंक्रीज करी जा सकती है। अब इसके बाद मैन्युफैक्चरर्स ने CPUs की परफॉर्मेंस को और एनहेंस करने के लिए उसमें मल्टीपल कोर्स इंट्रोड्यूस करे, जैसे कि ड्यूअल कोर एंड क्वाड कोर। अब कोर इंक्रीज करने से जो प्रोसेसेस पहले सिर्फ एक सिंगल कोर एग्जीक्यूट कर रहा था, अब वही सारे प्रोसेसेस काफ़ी कम टाइम में मल्टीपल कोर साथ मिलकर एग्जीक्यूट कर रहे थे, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। और इसी वजह से आज एक बेसिक CPU में भी आपको एटलीस्ट 2 कोर्स देखने को मिलते हैं, और एक सर्वर के CPU में आपको 22 कोर्स तक देखने को मिल जाते हैं। चलिए अब इन सारी टर्म्स को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक क्वाड कोर CPU है, दैट मींस इट हैज 4 कोर्स इनसाइड इट। नाउ लेट्स सपोज कि उसमें से हर एक कोर एक मशीन है जो कि एक सिंपल से बॉक्स को रैप करके एक प्रेजेंट बॉक्स में कन्वर्ट कर देता है। अब मान लीजिए कि उन मशीन के साथ एक कन्वेयर बेल्ट अटैच्ड है जिस पर कि एक बार में सिर्फ एक बॉक्स रखा जा सकता है। अब इस कन्वेयर बेल्ट को आप कंप्यूटर की टर्म्स में एक थ्रेड कह सकते हैं। अब इस प्रोसेस में होगा ये कि यहाँ से एक नॉर्मल बॉक्स कन्वेयर बेल्ट से होता हुआ उस मशीन तक पहुँचेगा, जहाँ वो मशीन उसे प्रोसेस करके एक प्रेजेंट बॉक्स में कन्वर्ट कर देगी। अब जैसे ही वो मशीन उस बॉक्स को कन्वर्ट कर देगी, उसके बाद कुछ टाइम तक ये मशीन बिल्कुल आइडल रहेगी, जब तक इसके पास एक नया बॉक्स नहीं पहुँच जाता। अब यही आइडल टाइम पूरे प्रोसेस को स्लो बना देता है। सो इसी वजह से मैन्युफैक्चरर्स एक CPU में मल्टीपल कोर्स यूज़ करते हैं, मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं मल्टीपल मशीनें यूज़ की जाती हैं, जैसे कि जब एक मशीन आइडल हो तब बाकी मशीन आउटपुट दें, और ऐसे ही एक हैवी टास्क सारी मशीनों में बंटकर जल्दी एग्जीक्यूट हो सके, जैसा कि इस क्वाड कोर CPU में हो रहा है। चलिए अब समझते हैं कि हाइपर थ्रेडिंग क्या होती है और क्या इसकी हेल्प से आपके CPU के कोर्स डबल हो जाते हैं। एंड द आंसर इज नो। चलिए इसे भी लास्ट एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास एक क्वाड कोर CPU है जिस पर 4 कोर्स एंड 8 थ्रेड मेंशन है। तो CPU में डबलिंग कोर्स का मतलब होता है डबलिंग द अमाउंट ऑफ मशीन, विच विल ऑटोमेटिकली रिजल्ट इन डबलिंग द परफॉर्मेंस। बट बिलीव मी, अगर ऐसा होता तो दिस माइट बी द कूलेस्ट थिंग फॉर श्योर, बट हाइपर थ्रेडिंग में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अब असल में हाइपर थ्रेडिंग के केस में होगा ये कि आपका PC उन हर मशीन में एक एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कन्वेयर बेल्ट अटैच कर देगा, मींस इट इज़ एडिंग थ्रेड टू इट। अब यहाँ पर एक मशीन के पास जब 2 कन्वेयर बेल्ट होंगी, तो उस मशीन को नेक्स्ट बॉक्स के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। अब जब तक एक बॉक्स एक लेन से प्रोसेस होगा, उतने में दूसरी लेन से नेक्स्ट बॉक्स मशीन तक पहुँच जाएगा इन नो टाइम। अब ये प्रोसेस एकदम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली हो, तो ये सारा काम मैनेज करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हाइपर थ्रेडिंग का ये मतलब नहीं है कि वो मशीन्स को डबल करता है, वो बस उन कन्वेयर बेल्ट्स को डबल करता है। अब इसको कंप्यूटर की टर्म्स में बोलें तो हाइपर थ्रेडिंग से आपके फिजिकल कोर्स डबल नहीं होते, इससे CPU के थ्रेड्स यानी कि लॉजिकल कोर्स डबल होते हैं। सो हाइपर थ्रेडिंग की मदद से आपकी CPU की परफॉर्मेंस अप टू 30% तक इंक्रीज हो जाती है। चलिए अब समझते हैं कि व्हाट इज क्लॉक स्पीड एंड ओवरक्लॉकिंग इन CPUs। सो स्टिकिंग विद आवर एग्जांपल, आप क्लॉक स्पीड को उन मशीन्स के बॉक्स प्रोसेस करने की स्पीड मान सकते हैं, कि आखिर एक मशीन एक बॉक्स को कितनी देर में प्रोसेस कर पा रही है। सो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि जितनी ज़्यादा क्लॉक स्पीड होगी, उतनी ज़्यादा स्पीड से वो बॉक्स प्रोसेस होंगे। अब यहाँ जो सबसे बड़ी बात ध्यान रखने वाली है
कि आप दो सीपीयू की क्लॉक स्पीड तभी कंपेयर कर सकते हैं जब उन सीपीयू के बाकी सारे स्पेक्स सेम हो, जैसे कि नंबर ऑफ कोर्स, उनकी जनरेशन और उनके थ्रेड। अब इस चीज़ के पीछे जो रीज़न है वो है डिफरेंट सीपीयू एक ही काम को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करते हैं, जो कि डिपेंड करता है उनकी जनरेशन पर, उनमें प्रेजेंट कोर्स पर और उनके थ्रेड्स पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास दो सीपीयू हैं, एक है ऑक्टा कोर जिसकी क्लॉक स्पीड है 3 गीगाहर्ट्ज, और वहीं दूसरी साइड क्वाड कोर जिसकी क्लॉक स्पीड है 4 गीगाहर्ट्ज। अब इस केस में ऑक्टा कोर सीपीयू हमेशा क्वाड कोर सीपीयू से ज़्यादा फास्ट होगा, क्योंकि वो अपने 8 कोर की हेल्प से किसी भी प्रोसेस को ज़्यादा जल्दी एग्जीक्यूट कर सकता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स क्लॉक स्पीड। तो अब तक तो आप ज़रूर समझ ही चुके होंगे कि आखिर एक सीपीयू को ओवरक्लॉक करने से क्या होता है। यस, दैट मीन्स कि आप उसकी क्लॉक स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं। अब अगर हम इसे उस एग्जांपल की टर्म्स में समझें, तो आपने सिंपली उस मशीन की प्रोसेसिंग स्पीड को इंक्रीज करके उसे और फास्ट बना दिया है। मतलब अब ओवरक्लॉकिंग की हेल्प से वो मशीन उन बॉक्सेस को और जल्दी कन्वर्ट कर सकती है। अब अगर आपको ये पता है कि आप अपने सीपीयू को सेफली कैसे ओवरक्लॉक कर सकते हैं, तो इससे डेफिनेटली आपको आपके काम में एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस बूस्ट मिलेगा। चलिए अब बात आती है कि आखिर सीपीयूज में उसकी जनरेशन से क्या फ़र्क पड़ता है। अब जनरेशन वर्ड आपको इंटेल के सीपीयूज के साथ देखने को मिलता है, जैसे कि इंटेल कोर i7 6th जनरेशन, 7th जनरेशन, ऐसे ही 8, 9 एंड 10th जनरेशन। अब इंटेल हर कुछ सालों में अपने सीपीयूज के लिए एक नई जनरेशन लॉन्च कर दी है। अब न्यू जनरेशन प्रीवियस जनरेशन के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंट और पावरफुल होती है। अब हर नई जनरेशन के साथ सीपीयूज में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं, जैसे उसके बेसिक आर्किटेक्चर को चेंज कर दिया जाता है, जैसे कि अब वो और ज़्यादा कोर्स को सपोर्ट कर पाता है, उसकी कैश मेमोरी इंक्रीज कर दी जाती है, और जो एक सबसे मेजर डिफरेंस होता है उसके ट्रांजिस्टर्स के साइज़ को छोटा कर दिया जाता है। अब इसमें होता यह है कि जो हमारा सीपीयू है वो लाखों करोड़ों छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स से मिलके बना होता है। इंटेल हर कुछ सालों में अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से इन ट्रांजिस्टर्स को और छोटा छोटा करती जाती है, जिससे कि वो एक चिप में और ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स को एक्यूमुलेट कर पाती है। फॉर एग्जांपल, 9th जनरेशन में इंटेल ने अपने सीपीयू को 40 नैनोमीटर के ट्रांजिस्टर्स से बनाया था, और वहीं दूसरी तरफ अपनी 10th जनरेशन में इंटेल ने उन ट्रांजिस्टर्स का साइज़ घटा के 10 नैनोमीटर कर दिया। अब ट्रांजिस्टर्स का साइज़ छोटा होने की वजह से उसमें और ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स को ऐड किया जा सकता है, जिससे कि उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है, और छोटे ट्रांजिस्टर्स कम इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ करते हैं, जिससे कि वो चिप को और ज़्यादा पावर एफिशिएंट बनाते हैं। और ऐसे ही काफ़ी सारे चेंजेस आए फ्रॉम 9th जनरेशन टू 10th जनरेशन, जो कि आप देख सकते हैं। नाउ आई होप कि आपको ये सारी टर्म्स बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, और इन टर्म्स को जानने के बाद अब आप अपना सीपीयू लेने में कोई गलती नहीं करेंगे। और अगर इन सब के बाद भी आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट के थ्रू अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ नया जानने को जरूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हिट दैट लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। टिल देन, डू व्हाट यू वांट टू डू।